नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरमू में भाजपा के प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय ने प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास के कार्य ठप हो चुके हैं और मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल के मूल्यों पर वैट नहीं घटाती है तो हम लोग 25 नवंबर को राज्य के विभिन्न पेट्रोल पंप के समक्ष हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में विकास की गति धीमी पड़ चुकी है। 25 तारीख को हम लोग का पेट्रोल पंप पे हस्ताक्षर अभियान होना है। इस डीजल पेट्रोल के महंगाई को यदि वैट के माध्यम वैट को घटाते नहीं है तो इसके अलावा हमारे प्रदेश कार्य समिति में जो इन्होंने नियोजन नीति, स्थानीय नीति और जो उसमें इन्होंने भोजपुरी, मगही, अंगिका आदि भाषाओं को अलग किया है, हिंदी संस्कृत को अलग किया है, इसका भी मांग पूरे राज्य से आया है और सब लोग इस पर चिंता व्यक्त किए हैं। यह जरूर पूरे राज्य के चिंता का विषय है कि हमारे युवाओं के साथ, आने वाले पीढ़ी के साथ इस तरह का अन्याय नहीं हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जितनी भी समस्याएं हैं उनको साथ में लेके आने वाले समय में आंदोलन करने वाली है।